भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बुलाए गए चार राज्यों में बंद का आज आखिरी दिन है। झारखंड पुलिस की ओर से रेलवे और सड़क यातायात को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित इलाकों में मौजूद सुरक्षा बलों को लगातार सर्च अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। गत 23 से 25 नवंबर के बीच चार राज्यों में 3 दिवसीय बंद की घोषणा की गई। इनमें झारखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया है। 3 दिवसीय बंद के दौरान पिछले 48 घंटे में नक्सलियों ने कहीं किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया, लिहाजा गुरुवार को सुरक्षा बलों को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। पलामू, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी जैसे जिलों में बंद का असर देखने को मिला। अपने शीर्ष नेता प्रशांत बोस की गिरफ्तारी से कमजोर पड़ चुके माओवादी अब अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार से सटे बॉर्डर सीमावर्ती इलाकों में माओवादियों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है। पलामू के हरिहरगंज और नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में बंद का असर देखने को मिला। आज बैंक बंद है। पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के बाजार क्षेत्र की सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक समेत अन्य सरकारी बैंक बंद रहे। सरकारी कार्यालय से पदाधिकारी गायब रहे। नक्सली नेता प्रशांत बोस और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी तथा जगह जगह नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन के विरोध में इस बंद का आह्वान किया गया। झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन आमोल वी होमकर ने बताया कि बंद को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। आज अंतिम दिन है, लिहाजा रेलवे सड़क यातायात पर विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।